आज हमें पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा जा रहा था तो वहाँ हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिज्म में हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। जैसा कि वहाँ क्या पढ़ा गया था, तो वहाँ पढ़ा गया था कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक उस तरह से यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इसको हम लोग फाई अक्षर से, ये ग्रीक अक्षर फाई है, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई से। इसका एक दूसरा भी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B ले लिए हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल A से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये कागज़ है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है, ये और मान लीजिए ये लाइन, ये मान लीजिए ये जो पेन है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो कह रहा है कि चुंबकीय किसी पृष्ठ क्षेत्रफल A से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स BA के बराबर होता है, यानी कि हम कहेंगे कि अगर ये मान लीजिए कि ये वाली लाइन, ये एक पेन ले लिए, ये देखिए ऐसे ये पेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, ऐसे ये इसके समांतर हो गया, ऐसे लंबवत, और इस लंबवत जितनी भी लाइन ऐसे इसके लंबवत गुजरेंगी, इन रेखाओं की संख्या को हम लोग कहेंगे कि इस क्षेत्र से, हम कहेंगे कि इस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसको हम लोग बी इंटू ए लिखेंगे, यानी फाई की वैल्यू यहाँ बी इंटू ए हो जाएगा। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी दिशा क्या होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है, इसे ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे लंबवत इसके परपेंडिकुलर दिशा होती है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए कि इस बार जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकदम सीधे है, तब तो ठीक है बी इंटू ए हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा ये तिरछा हो जाए, तो ऐसे थोड़ा सा इसके तिरछा हो जाए, यानी तो ये देखिए ये कुछ कोण बनाएगा, यहाँ से कुछ ये कोण बना रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिखा दिया गया है, उस सरफेस को ऐसे हम बना दिए हैं। और मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण बनाया है, बी की दिशा से ये कितना बनाया है, थीटा कोण बनाया है, तो अगर ये हो जाएगा थीटा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। कब, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये सरफेस एरिया थीटा कोण पर स्थित हो तो, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक इसका हम लोग जानते हैं कि क्योंकि बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, तो यहाँ पर देखिए ए से गुणा भी हो गया है, बी इंटू ए है, तो ए क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, इसका एम्पियर सिस्टम में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये फाई है, इसका एक और मात्रक होता है, और वो होता है वेबर। तो इसका एम्पियर में एक मात्रक वेबर होता है, जबकि वही सीजीएस में इसका एक मात्रक मैक्सवेल भी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि फाई बराबर बी इंटू ए है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी बराबर फाई बाई ए कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ कहीं कहीं ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बता रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बता रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। अब देखिए फाई का मात्रक वेबर हो जाएगा, ए का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बी का एक अन्य मात्रक भी होता है, जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। अक्सर ये कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको ध्यान में रहे, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये, ठीक है। और
एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कास आया है, तो कास थीटा की वैल्यू यदि जीरो हो तो हम देख सकते हैं कि फाई क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन ये जीरो कास जीरो कब होगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत हो, ठीक है। ये पूरी तरह से जैसे कि ये है पूरा तरह से जैसे एकदम लंबवत होगा ऐसे, तब हम कहेंगे कि अधिक से अधिक पास करेंगे। तो ये लंबवत होगा तो हम कहेंगे कि ऐसे में थीटा का मान जीरो होगा और यहाँ से वैद्युत फलक अधिकतम पास करेंगे। लेकिन वही जब ये इसके समांतर एकदम देखिए इस तरह से समांतर हो गया, तो इस तरह से क्योंकि इसकी जो दिशा है ये देखिए इसके लंबवत है ना, तो अब देखिए ये सीधे सीधे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से सीधे 90 डिग्री का, इनके बीच का ये कोण देखिए 90 डिग्री का। तो इसका मतलब कि अब जब ये समांतर होंगे तो ये थीटा का मान, जब समांतर होंगे तो क्या होगा, ये थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कास 90 जीरो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ये क्षेत्र ए हो जाएगा तो हम कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा यानी शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में इतनी जानकारी आपको रखना है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको वीडियो और बनाना चाहिए या नहीं।